हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता की दुनिया। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फिर से मैं हाजिर हो गई हूँ आप लोगों के लिए एक नया और बहुत प्यारा ब्लॉग लेकर। तो आज हम लोग निकल रहे हैं मम्मी के घर फिर से, और वहां जाके कुछ प्रयोजन है एक्चुअली। तो मुझे भी उतना आइडिया नहीं है ये फंक्शन कैसे होता है, क्योंकि हम लोगों की तरफ ये नहीं होता है। मेरी जो कजन सिस्टर है सलोनी, उसके बच्चों का है प्रयोजन। तो पीहू और राध्या को तो आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा ही होगा, उन्हीं का है एक्चुअली। और अरुण अभी नहाने गए हैं, राखी काम कर रही है, विहान तैयार हो चुका है, तो मैं विहान से आपको मिलवा देती हूँ। मेरा विहान तैयार हो चुका है पूरा। शूज पहन लिए तुमने? ये देखिए, इसने अपने शूज वूज पहन के और यहाँ पे टीवी देख रहा है ये, ताकि घर में पूरा कूदे ना, इसलिए इसे टीवी दिखा बैठा दिया टीवी देखने। और यहाँ देखिए मेरा बैग वगैरह सब तैयार है। तो ये इतना ही बैग नहीं है, रात में पैकिंग करके हम लोगों ने क्या करा, पहले ही गाड़ी में रखा है, ताकि फिर सब एक संग लगेज ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बस ठीक है, फिर मैं दिखाती रहूंगी धीरे धीरे कि आज के व्लॉग में क्या क्या होता है। और आज भी बेसिकली सुंदरकांड का फंक्शन है। एक्चुअली फंक्शन तो बहुत सारे हैं उसके यहाँ, पर हम लोग को पहुंचते पहुंचते लेट हो जाएगा। तो हम लोग जो जैसे कुछ मतलब कुछ तो है, मुझे मतलब उतना ध्यान नहीं है। तो आज फलार वगैरह का है, तो दोपहर तक वो होगा, तो हम तो पहुंच नहीं पाएंगे। तो हम लोग तो ऐसे ही पहुंचेंगे 2 बजे, देखिए कब तक पहुंचते हैं। अभी तो मेरा नहाना बाकी है। और बस ठीक है, फिर मैं मिलूंगी आपसे थोड़ी देर में। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और सारे काम हो चुके हैं। यहाँ तो ये पूरा सामान एक थैले में रख लिया है, नीचे जाके सॉर्ट करेंगे हम। पानी की बोतल रख ली है, विहान की पानी की बोतल भी रख लीजिए ना, वरना फिर वो चिल्लाएगा करके। और मैं आपको अपना पूरा लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बेल स्लीव का मैंने टॉप पहना है, और यहाँ मैंने ली है मल्टी कलर में नियॉन स्लीपर, वाइट जीन्स एंड पर्पल टॉप। तो मुझे तो अपना लुक ठीक लग रहा है, बस वाइट है तो थोड़ा सा, बस वाइट कलर की जीन्स से तो थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि सफर में हम लोगों ने नाश्ता पैक कर दिया है। हालांकि नाश्ते में फिर भी थोड़ी बहुत चिकनाई वगैरह लगती है, और मुझे व्हाइट कपड़े बिल्कुल क्लीन पसंद है। और ये क्लिप आपको कैसी लग रही है पर्पल कलर की? मुझे तो काफी अच्छी लग रही है, एकदम प्रिटी छोटी सी गर्ल टाइप गर्ल, मतलब मुझे ना पसंद है ऐसी छोटी छोटी चीजें। तो चलिए, आप लोग रेडी है? फोन तो रखिए अपना, सारा घर लॉक कर दिया है आपने। और विहान जो है मम्मी का पर्स उठाकर रेडी है ना। चलो ठीक है, फिर यहाँ अरुण आ रहे हैं थैला लेके, और यहाँ हमने साइड से कचरा रख दिया है। लिफ्ट बड़ा टाइम लगा रही है ना, हमेशा टाइम लगाती है लिफ्ट। वो ऊपर जा रही है, और ये जो है सोल में पटकी पड़ी है। पैदल चलेंगे? नहीं यार, पैदल नहीं, थोड़ा हील में चलने में दिक्कत है। आ जाएगी, आ जाएगी। तो ये खाना खुल गया है, खाना हम लोगों ने खा लिया है, और यहाँ हमारी च्युइंगम भी निकल गई है। तो ये देखिए, दिखा देती हूँ। विहान तुम्हारा हो गया? अब नहीं खाया जा रहा क्या? ठीक है, तो फिर छोड़ दो। चलिए, कैसा कट रहा है जी सफर? काफी अच्छा। मेरी क्लिप अच्छी लग रही है ना आपको? छोटी बच्ची की तरह छोटी बच्ची हो गया। ये डायलॉग तो सच में टाइगर श्रॉफ का है ना, ये बहुत फेमस हो गया। चलिए ठीक है, फिर मैं घर पहुँच कर मिलती हूँ आपसे। और आज ट्रैफिक तो होप सो अच्छा, मतलब टाइम निकल रहा है, बस बीच बीच आ रही है, पर अच्छा लग रहा है। घर पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने चेंज करे कपड़े, और यहाँ देखिए मैं आपको दिखाऊंगी कुछ टाइम में। ये देखो यहाँ पे सब पड़े हुए हैं, मतलब थक कर मैं आई हूँ और पड़े ये लोग हैं। तो बस मम्मी के घर में तो यही सब गॉसिप गॉसिप बातें बातें यही सब चलता रहता है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के घरों में भी यही होता है क्या। और ये बच्चों का देखिए क्या तहलका मच रहा है। यहाँ पे शुभम बन गया है घोड़ा, मतलब इन बच्चों ने अपने मामा को ही घोड़ा बना दिया है। पहले तो हम लोग अपने बाबा से बहुत डरते थे, पर आजकल के बच्चे तो सच में, और पापा शॉप से आके बैठे हैं, उनको भी नहीं आराम करने दे रहे हैं। ये देखिए सब लद गए, इकट्ठे लदेंगे सब।
और बेचारे की कमर जो है, मतलब जो हंसी आ रही थी। और इधर मोनिका देखो, बाल अपने स्ट्रेट करवा लिए से फंक्शन जाने के लिए, और फाइनली हम लोग तैयार हो गए। और मोनिका और पूजो बहुत प्रिटी लग रही है, और मैं खुद अपने आप को भी बहुत प्रिटी लग रही है। और यहाँ देखिए अनाया की बालों में ना बटरफ्लाई उड़ रही है। आजकल तो सच में लड़कियों की इतनी सारी चीजें आ गई हैं। यहाँ बैठा है विहान कि क्या ही बताएं, इतनी फैंसी फैंसी चीजें हैं और लड़कियों के ऊपर अच्छी भी लगती हैं। लड़कों के पास इतना कुछ होता नहीं है मतलब लगाने को। और अब हम गाड़ी में बैठ गए हैं तीनों देवियां मतलब खूब हंस रहे हैं। और यहाँ पहुंच गए हम वेन्यू। तो ये दो दिन का फंक्शन के लिए मैं आई थी, तो दोनों दिन के फंक्शन के लिए एक ही सेम वेन्यू है, बस पूजा पाठ और फंक्शन अलग अलग होंगे। तो मुझे तो मेरा सूट पाकिस्तानी स्टाइल काफी अच्छा लग रहा है। और ये देखिए पीछे से मेरा शूट ले रहे हैं, मैं एंट्री कर रही हूँ। काफी अच्छा लग रहा है मुझको यहाँ पे। और सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में एक्चुअली मुझे ना इतनी तेज साउंड थी ना कि काफी सिर दर्द होने लगा, और ऐसा लग रहा था कि दिमाग घूम रहा है। तो मैंने सलोनी से बोला, सलोनी कुछ भी हो खाने को, क्योंकि वो लोग यहाँ पे नाइट में रुके हुए थे, तो मतलब अगर कुछ भी हो तो दे दो। तो मेरे साथ साथ मेरा तो भला हुआ हुआ, बेचारे बच्चे भी इतना खेल कूद के थक गए थे कि उन लोगों ने भी ये कटोरी वटोरी मतलब चिप्स वगैरह यही सब चीजें खाई इन्होंने, और पूरा फैलारा सा मचा रखा है इन लोगों ने। और फिर खा पी के फिर थोड़ी देर बैठ गई हूँ और यहाँ पे पिक्चर्स लेने के लिए, पिक्चर लेते लेते वीडियो बना ली मैंने। इन लोगों को लग रहा है कि मैं पिक्चर ले रही हूँ। और यहाँ देखिए ये पंडित जी गाना गा रहे हैं, और यहाँ पे विहान देखिए वाइब नाम की टी शर्ट पहन के, काफी सच में इसने तो खूब नाचा इन बच्चों ने तो। और यही देखिए खूब जोर शोर से चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए मैंने जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। अगर आप लोगों को ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्यारे प्यारे कमेंट छोड़िएगा। राम राम जी कह रही हूँ मैं आपको, क्योंकि सुंदरकांड चल रहा है यहाँ पे। और फाइनली लास्ट में हम लोगों ने डिनर तो नहीं बोल सकते, नहीं डिनर ही था ये शायद, हाँ मतलब शाम के समय का टाइम था, तो बस यही। इसके बाद हमने कुछ भी नहीं खाया। तो ये लोग सब बैठ गए हैं यहाँ पे, क्योंकि आजकल लोगों को नीचे नहीं बैठा जाता, मेरे से खुद भी नहीं बैठा जाता है। तो सब पूरी व्यवस्था ऊपर ही थी, पापा के संग मैं बैठी हुई थी, और यहाँ पे अरुण जो है विहान को खाना खिला रहे थे। इतना थकने के बाद ज्यादा खाना खाया नहीं गया। और बस इसी तरीके से मैं अपने व्लॉग की एंडिंग भी यहीं पे कर लेती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, प्लीज फॉलो करिए मुझे, और कमेंट में करके बताइए कि आपको कौन कौन से व्लॉग्स और देखने। व्लॉग्स तो वही होंगे जो मैं घर के दिखा रही हूँ, पर कुछ अलग देखना हो तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं मुझे।